हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एसएससी एमटीएस 2021 की एग्ज़ाम डेट क्या है और इसके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, क्या एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी एमटीएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल एंड तक अवश्य देखना। और दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, हम इसके एमटीएस के एग्ज़ाम कैलेंडर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको इसके एग्ज़ाम डेट वगैरह पता चल जाएगी। आप इसको नीचे देखेंगे तो 19 नंबर के पॉइंट पर आपको एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन 2020 पेपर फर्स्ट सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2 फरवरी से 18 मार्च तक इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे। यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई की डेट दी गई है और ये डेट दी गई है 1 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। ये इसकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। अब दोस्तों, आप लोगों को ये भी लगता होगा कि यहाँ पे CGL CHSL का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, जैसा कि 16 नंबर का यहाँ पे ये जो CHSL और 17 नंबर का CGL का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। क्या SSC MTS का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा? दोस्तों, आपको पता है कोविड-19 के केस काफ़ी ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 1 जुलाई दी गई है और इस समय मई चल रही है, यानी मई और जून का मंथ बीच में है। लगभग यहाँ पे 1.5 महीना बचा हुआ है, 2 महीने तो नहीं बचे हुए हैं। लेकिन क्या 1-1.5 महीने में अगर केस कम हो जाते हैं, एक भी केस नहीं निकलता है, तब तो यहाँ पे इसके एग्ज़ाम होने के चांस रहेंगे, अन्यथा ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। और बात कर लेते हैं इसके एडमिट कार्ड की। तो जब भी एग्ज़ाम हो, चाहे पोस्टपोन्ड होने के बाद हो या ये इसी डेट पे एग्ज़ाम हो, इसके जस्ट 15 दिन पहले आपको नोटिस मिलेगा। एक SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जस्ट 15 दिन पहले आपको नोटिस मिलेगा। 100% मैं आपसे सही बता रहा हूँ, आपको 15 दिन पहले नोटिस मिलेगा। उसमें स्टेट वाइज के हिसाब से आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे और धीरे धीरे सभी स्टेट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो बस यही एक छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।